अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, गिवन मेजर ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मेजर बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, कंप्यूट द लेंथ ए बी ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें उन्होंने हमें ए सी की लेंथ दी है 1, बी सी की लेंथ दी है 2 और सी पे एंगल दिया है 120 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है लेंथ ए बी की और ए बी सी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो हम जो है कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह थ्योरम 1 में हमने कंस्ट्रक्शन की है, उस तरह हम यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये भी गिवन है हिंट के, ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमने थ्योरम 1 में ये फार्मूला प्रूव किया है वो वाला हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया है कि मेजर सी डी जो है ये मेजर बी सी कॉस 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास ए सी 1 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर, एंगल सी 120 डिग्री, ये सारी हमने गिवन वैल्यूज लिख ली। अब हमें चाहिए क्या, ए बी, ए बी चाहिए और क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये टू फाइंड। अब हमने लिख लिया कि क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ गिवन है और ये जो जो चाहिए। अब हम यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास हिंट में गिवन है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये हिंट गिवन ना हो, आपको बताना चाहिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ये वो फार्मूला जो हमने थ्योरम 1 प्रूव किया है, मेजर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वेयर इक्वल हो ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस 2 मेजर ए सी मेजर सी डी। तो यहाँ पे ए सी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 2 का स्क्वायर प्लस 2 मेजर ए सी, ए सी की वैल्यू थी 1 और सी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं, तो सी डी को मैंने सी डी ही लिख दिया। अब हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय सी डी, 2 सी डी, 1 प्लस 4 प्लस 2 सी डी हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। अब हमारे पास हिंट में ये जो गिवन कंडीशन है इसको हम देखते हैं, इसे हम सी डी को फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि सी डी इक्वल हो बी सी कॉस 180 माइनस एंगल सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी डी हमारे पास इक्वल होना चाहिए मेजर बी सी कॉस 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल सी। तो मेजर बी सी, बी सी की जो लेंथ है हमारे पास, यहाँ पे बी सी की लेंथ हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, वो है 2 सेंटीमीटर। बी सी की जगह मैंने 2 पुट किया, आगे कॉस 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री ही आएगा, माइनस एंगल सी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 120 डिग्री। अब 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, 2 cos 60 डिग्री। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आती है 1, cos 60 होता है हाफ और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास आता है 1। सी डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर। अब सी डी की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 जो कि हमने ये बनाई थी इसमें पुट करने से हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी, ए बी स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसमें सी डी को पुट करते हैं, मेजर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 2, सी डी की जगह 1 पुट किया मैंने और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस 2 आ जाएगा और हमारे पास ए बी स्क्वेयर की वैल्यू है 7। अब ए बी स्क्वेयर की वैल्यू है 7 तो ए बी की फाइंड करने के लिए हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। यहाँ पे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ए बी आ जाएगा हमारे पास और दूसरी साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वेयर रूट 7। तो ए बी की वैल्यू है स्क्वेयर रूट 7। अब इसको जब हम सॉल्व कर सकते हैं स्क्वेयर रूट 7 को कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ सकती है 2.646 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमारे पास था कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल जो है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उस तरह ईजिली हो जाता है। ये ट्राइंगल यहाँ पे स्लैंटिंग है और उसकी बी सी की लेंथ हमारे पास नहीं गिवन, तो हम बी डी को इसकी हाइट कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर जो लेंथ होगी बी डी की वही लेंथ होगी बी सी की, बी सी भी उतने पर ही बना है, बी डी और बी सी की लेंथ आपस में इक्वल ही होगी। और यहाँ पे अगर ए बी सी ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम सिर्फ ए सी को इसकी बेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी जो हाइट है उसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ये मैंने पाया था थ्योरम अप्लाई किया। अब हम हाइट किसकी फाइंड कर रहे हैं, इसकी।
लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हम बी सी स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैंने, लेकिन बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं बना, इसको मैंने अरेंज किया क्योंकि हमें बी डी चाहिए और बी सी और सी डी हमारे पास हैं, तो प्लस सी डी दूसरी साइड में जाके माइनस सी डी हो जाएगा और एक साइड पे हमारे पास बी डी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेजर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर बी सी स्क्वायर माइनस मेजर सी डी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर के अंदर उसकी वैल्यू पुट की 2 और उसका स्क्वायर, माइनस सी डी के अंदर उसकी वैल्यू पुट की 1 और उसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। बी डी की फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम फिर से पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू पहले नहीं थी, हाइट की वैल्यू नहीं थी, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं और एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इसकी है, इस ट्राइंगल की बेस है ए सी जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो बेस के अंदर मैंने पुट किया 1। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमारे पास आई बी डी स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 पुट किया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3/2 cm². उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।